हेलो गाइज, वेलकम टू इंजीनियरिंग ब्लॉग चैनल। गाइज, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की कौन कौन सी बुक का कलेक्शन है और कौन सी बुक मैंने कब ली और किस प्रकार से इनसे तैयारी की और कौन सी बुक इन वैसे बेस्ट है। तो इनके बारे में बताने वाला हूँ। जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं उन सभी की डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास जो बुक है, जो कि मेरी सबसे पुरानी बुक है। गाइज, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेरे पास सबसे पहले जो मैंने कॉम्पिटिशन बुक ली थी वो ली थी गुप्ता एंड गुप्ता। गाइज, तो वो पता नहीं कहाँ पर रखी, मैंने उससे पढ़ना बंद कर दिया। पहले उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो गुप्ता एंड गुप्ता, उसके बाद मैं ली थी व्हाइट वाली आर एस कुर्मिया थी, व्हाइट वाली खन्ना, हाँ आर एस कुर्मिया थी व्हाइट वाली, वो मेरे कॉलेज के ऑफिस में रखी है तो वो भी मेरे पास नहीं है। उसके बाद मैंने जो बुक ली थी 3200 MCQ करके आती है, जो मेड जी की थी 3200 MCQ करके, ओके 3200 MCQ करके जो बुक थी, बहुत ही मजेदार बुक थी। उस समय पर ली थी मैंने 2017-18 के पेपर के लिए, उस टाइम पर जो बुक बहुत अच्छी थी और इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे MCQ दिए हैं। बट इसके MCQ भी शायद अब बढ़ गए होंगे, लेकिन अब मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा। उस समय पर JEE के लिए बहुत बेस्ट बुक थी, JEE के लिए। इसके बाद जो मैंने बुक खरीदी, तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मेरे पास एक बुक जो थी मेड जी मैंने डिप्लोमा करने के बाद ही ले ली थी। गाइज, बहुत ज्यादा हेल्पफुल, आप JEE या AE की जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहो सिविल इंजीनियरिंग की। तो उस समय पर मेरा जो पहला फर्स्ट एडिशन था मेरे पास, शायद इसमें लिखा रिवाइज अपडेट एडिशन, मुझे पता नहीं है। फर्स्ट एडिशन आया था 2012 में और रिवाइज एडिशन जो मेरे पास है 2014 वाला एडिशन आया। तो मैंने जैसे भी 16-17 में ले ली थी, जैसे डिप्लोमा किया था, और उसने लाइफ में, कसम कर रहा हूँ, उसने लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो आप अगर सिविल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो या कर रहे हो, अगर आपके पास जो वाली बुक नहीं है मेड JEE की, तो जो मान लो कि आप सिविल इंजीनियरिंग का मतलब जैसे कि GK GS में एक समय पर लूसेंट का रोल रहता था, इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग में अभी मेड JEE का रोल रहता है। गाइज, मेरे पास अभी अपडेटेड जो एडिशन है, क्योंकि व्यापम JEE की तैयारी करने के लिए मैं लेके आया था, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट और अपडेट करके नए अपडेट वर्जन आ गया है, ये 4th एडिशन है। शायद इसके बाद देखना 5th या 6th एडिशन भी आ चुका हो। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट है वो 4th एडिशन है, जो कि मैं अभी 2022 में ही लाया था। ठीक है, तो गाइज, ये मेड JEE की जो बुक है वो बहुत ही जबरदस्त है और मेरी काफी हेल्प की और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, उसमें टॉप वाइज दी है। तो आप छोटे छोटे पेज हैं, तो आप हाल ही यहाँ पर पेज नंबर देख के आप जा सकते हैं, सारे सब्जेक्ट इसमें दिए हैं। गाइज, इसके बाद जो मैंने बुक ली थी, जो कि उस समय पर ली थी व्यापम के एग्जाम के लिए 2017-18 वाले के लिए और UP TSSC के लिए, तो ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। और गाइज, ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती थी उस समय पर, वो ली है। और इसमें गाइज, इसमें लिखा है 3310 पूछे गए प्रश्न एवं 1500 वन लाइनर प्रश्न। उस समय पर यूथ पब्लिकेशन ने सिविल इंजीनियरिंग की बुक स्टार्ट ही किया था ना, सबसे पहली बुक उसकी थी, तो इसको ली थी। इसमें से भी काफ़ी कुछ सीखा, बाकी जाना याद नहीं है क्योंकि इसको पढ़े बहुत दिन हो गए, अभी मैं इसमें पढ़ना बंद कर दिया। तो अब इसमें और अपडेट आ गए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। तो आप यूथ की वाली बुक सजेस्ट कर सकता हूँ आपको गज। और हाँ जी, तो मेरी मेंस की ये ली थी, तो ESE के पेपर हैं जो मेड JEE के हैं, सॉल्व पेपर हैं, तो इसमें जो मेंस की तैयारी के लिए ली थी। तो गाइज, इस प्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी ली थी, जो मेरी लाइफ की शायद अच्छी बुक मानी जाए व्यापम की तैयारी के लिए जो मैंने ली थी, वो ली थी सिविल बूस्टर। क्या सिविल बूस्टर है, इसके साथ आपको जो मैप देख रहे होंगे यहाँ पर, मैप नहीं, इसमें जो नोट्स लगे ना यहाँ पर देख रहे होंगे आपको, नीचे दीवार पर चिपका है एक पेज भी आता बहुत बड़ा, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट और उसके शॉर्ट में जो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो दिए रहते हैं। गाइज, सिविल बूस्टर की बुक जो है, इसमें सारे सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से, छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी आपकी आ सकती है वो सभी अच्छे से मिला के दिए। तो गाइज, ये यूथ पब्लिक सॉरी सिविल बूस्टर की बुक है, बहुत बेस्ट है। और इसके साथ गाइज, एक आपको आता है एक पॉकेट कैप्सूल जो सिविल कैप्सूल है, इसी के साथ आता है, और वो जो चिपका दीवार पर चिपकाने वाला भी आता है आपके पास। क्लियर, तो गाइज वाली बुक मैं बता दूँ, मैंने UP TSSC JEE दिया था अभी जो हुआ था 2018 वाला, जो कि अभी 2022 में हुआ था, उसको मैं देख के आता, उस समय पर मैंने ली थी। उसके बाद मैं जब ये बुक ली, उसके बाद मैंने इसमें पढ़ा, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें से, पहले पेज में ऐसे आपको जैसे के तैसे रख दिए गए हैं। क्लियर, तो अभी व्यापम में भी इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन फंसे थे, जैसे कि रिवोल्यूशन वाला मैं आपको बताऊँ, कॉन्क्रीट का अपन बनाते तो कम से कम 2 मिनट रिवोल्यूशन करते हैं या फिर 20 राउंड रिवोल्यूशन करते हैं। पहले इसमें कॉन्क्रीट में पहले या दूसरे ही पेपर दिया कॉन्क्रीट वाले टॉपिक में, और दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम व्यापम में छपे थे। तो गाइस, सिविल बूस्टर अभी प्रेजेंट में अगर बताऊँ, मेरे मैं जो सबसे ज्यादा पढ़ रहा हूँ वो सिविल बूस्टर ही पढ़ रहा हूँ, जो कि सक्सेस की मैं मान सकता हूँ।
और साथ में मेडिगी, मेडिगी भी आपकी बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर जेई और एई सिविल इंजीनियरिंग से आप तैयारी करना चाहो तो। सिविल बूस्टर मैं आपको सलाह दूंगा, सिविल बूस्टर सबसे बेस्ट है, आप अपने कॉन्सेप्ट लेके छोटी से बड़ी चीजें। पहले जब मैं पेपर देता था इंजीनियरिंग का एक्चुअल में, तो मुझे ये लगता था कॉन्सेप्ट कहाँ से बनना है, मैं बुक पढ़ता रहता हूँ लेकिन बनते नहीं वहाँ पे। लेकिन जब से मैं सिविल बूस्टर लिए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो यहीं से बनते हैं, उसी बुक में सब कुछ दिया है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि हाँ जो क्वेश्चन जो पेपर बनता उसका जो मेरे पास जो नोट्स वगैरह है वो सिविल बूस्टर के रूप में मेरे पास अवेलेबल है। हालांकि मेरे देखो खुद के नोट्स भी हैं, मैं खुद के नोट्स बताऊंगा, इतने सारे फेयर बने रखे हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा पढ़ो आप कहीं से भी, लेकिन खुद के भी शॉर्ट्स नोट बनाते जाओ। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी ली थी व्यापम के पहले ली थी, ये आपकी ली थी मैंने, ये कौन सी है, हाँ यूथ कंपटीशन का है, ये एई वाले हैं। क्लियर, एई के वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। तो गाइस अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 से 2500 एमसीक्यू आपको लगाना प्रत्येक टॉपिक के, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट रहते ना, तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है आपके पास काफी सारे 2000 2500 एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो क्या इसके दो वॉल्यूम है, यही वाली बुक है। ठीक है, मैं जेई की तैयारी कर रहा था, हालांकि बुक यही वाली लाया था क्योंकि उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और जेई वाले वॉल्यूम जाना थे, तो इसके दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। ओके, तो क्या इसको अभी तक मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि व्यापम का एग्जाम मेरा पास में आ गया था और डेट चेंज हो गई थी, उस समय पर मन नहीं लग रहा था, बट मैं इनको पढ़ूंगा। थोड़ा एक दो टॉपिक मैंने इनसे कर लिए, बहुत ही जबरदस्त है गाइस, सच में आपके जो पेपर तो आप दोगे ना एसएससी वगैरह का सेम टू सेम क्वेश्चन अगर इन दोनों को कर दिया ना, इन दोनों को आपने प्रेस कर दिया तो मैंने देखा है, तो आपको 85 से 90% क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट आपको इन दोनों में मिल जाएंगे। तो जेई की कोई भी आप एग्जाम देना चाहो तो इन बुकों को भी ले सकते हो, आपको अगर इसको पढ़ना पड़ेगा। आप इसमें क्या एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो करते करते। क्लियर, तो इनको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी इनके लिए। तो अभी मैंने रियल में इनको पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं बहुत ही बेस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम वन और सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम टू चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिए हैं, 22190 लिखा है दोनों पे, 22190 एज पर आंसर की, मतलब जो फाइनल आंसर की आई उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर दिए। क्लियर, तो इसमें बहुत सारे पेपरों को इन्होंने लिया, कर्नाटक वगैरह जम्मू कश्मीर वगैरह जितने भी जेई वगैरह होते हैं, देखो इसमें बहुत सारे आरकॉन एई जेयूवी एनएल मतलब जितने भी एई के पेपर होते हैं इन्हें सबके पेपर के क्वेश्चन इसमें डाल दिए और टॉपिक वाइज डाले, बहुत ही जबरदस्त बुक है गाइस। तो अगर आप इनको लेना चाहो तो इनको भी आप ले सकते हो गाइस। एक लास्ट में सबसे लास्ट में मैंने मंगाई थी भाई, इसको मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बहुत ही अच्छी है, आपको मार्केट में 60 रुपये मिल जाएगी, ऑनलाइन 70-80 रुपये की या 90 रुपये की शायद आई थी, जी भी आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, लेकिन जो कैप्सूल है सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल ओनली गाइस 50-60 रुपये का मिलेगा, लेकिन आपकी जो बूस्टिंग पावर है ना, जो आपकी रिवीजन पावर है वो बहुत जबरदस्त कर देगा गाइस। इसमें भी बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको दिए है, तो आप जहाँ से पढ़ सकते हो आप देख देख के। तो भाई मैं आपसे बोलूँगा अगर आप रियल में आप तैयारी करना चाह रहे हो तो इसको जरूर लेना, जिससे कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े तो वो पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो शायद इसमें उल्टा दिख रहा है क्योंकि इसमें मिरर मोड लग गया। ठीक है, तो आप देख लेना सिविल बूस्टर की बुक। आप तो देखो आप कम से कम आपको क्या लेना चाहिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और एई की तैयारी कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो देखो मैं आपको बता दूं, एक तो आप मुझे ले लेना, एक गाज आप सिविल बूस्टर ले लेना और एक मेडिजी गाज। मेडिजी की कौन सी वाली, एंड बुक, मैं आपको बता दूं सब इधर उधर हो रहा है, देखो मेडिजी की जी वाली एंड बुक और सिविल बूस्टर, इसके साथ आपको कैप्सूल और वो मिल जाएंगे आपको नोट्स लगाने वाली दीवार पर, और यूथ कीजिए। क्लियर, इनको ले लेना। एमसीक्यू लगाने के लिए आप यूथ पब्लिकेशन के डिप्लोमा के एमसीक्यू आते हैं और इंजीनियरिंग के एई के एमसीक्यू वाली बुक आती है उसको ले सकते हो, बाकी आरएस कुर्मी भी देख सकते हो, आरएस कुर्मी एमसीक्यू लगाने के लिए भी बेस्ट है जेई लेवल के, उसमें भी एमसीक्यू दिए, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो सबसे पहले मेडिकी बुक और उससे भी बढ़िया सिविल बूस्टर और साथ में रिविजन के लिए जे और रिविजन के लिए इसकी जो वो है इसके साथ ही आ जाएगी एक कैप्सूल जी वाला। क्लियर, तो भाई ठीक है, आप बताना वीडियो कैसी लगी, मैंने जो बताया वो कैसा लगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे पढ़ता था, मेरी टेक्निक क्या पढ़ने की, आप पीछे भी देख सकते हो कुछ वो चिटे वगैरह लगी, मैप वगैरह भी लगे हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं टेक्निक अपनाता था तो मुझे याद करने में बड़ी समस्या आती थी स्टार्टिंग, और बहुत सारी वैल्यू ये कैसे याद करें वो सब मैं आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार से याद करता था। क्लियर, तो गाइस वीडियो लंबी हो गई, किसी बुक के बारे में पर्टिकुलर आपको बताना है, आपको किसी बुक के बारे में पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक दिए हैं किस प्रकार से पढ़ना वो सब आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगली वीडियो में लाऊंगा किस प्रकार से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने कैसे याद करता था चीज़ों को और मैं नोट्स कैसे बनाता था, मेरे फेयर कैसे बनते थे और मैं किस प्रकार से चीज़ों रिवाइज करता था, कितने समय बाद रिवाइज करता था। ठीक है, तो अभी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन का निशान आप दबा दीजिए, साथ में कमेंट में बताइए आपको अगली वीडियो में किसके रिगार्डिंग बनाऊँ। थैंक यू गाइज़।